फोटोशूट के लिए मैंने खरीदे ये 33,600 पैसों वाली ये रिंग लाइट खरीदी जो 3 स्टेज में जलती है। उसके लिए मैंने गत्ता भी लिया, गत्ता काफ़ी अच्छा है ना। हाँ, इसके अंदर मैंने वाइट शर्ट चिपका रखी है। अच्छा, वाइट वाइट दिख रहा है कैसे। इसके मैंने बाउंड्री पे भी काफ़ी सारे फिल्टर्स लगा रखे हैं जैसे कि ये। और ये मेरी सैंडल है जो काफ़ी अच्छी है, जिसे चोट भी लगती है पिटाई खाने पे। और इसमें मैं फोटो शूट करने वाला हूँ। ये मैं लेके गया कैमरा, फिर मैंने फोटो शूट किया। अच्छी वाली फ़ोटो ये पसंद नहीं है मेरे को। और ये काफ़ी अच्छी है। इसके बाद मैं इसके साथ एडिटिंग करूँगा। इसके लिए मैं ऐप डाउनलोड कर रखा है स्नैपशीट का, जिससे एडिटिंग करना काफ़ी ईजी है ना। हाँ, काफ़ी ईजी है। आप भी इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद प्लस में जाके ऐड कर देना अपने आप फोटो के ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद है। उसके बाद आपको टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद ज्यून इमेजेस करना है। और ज्यून इमेजेस के बाद जाके आपको इसको जूम करके देख लीजिए। फिर आपको ऑप्शन कंट्रोल कर सकते हैं, अप टू डाउन, ब्राइटनेस, सेचुरेशन, एम्बियंस, हाईलाइट्स, ये सब। और लेफ्ट राइट से आपको प्लस माइनस कर सकते हैं, इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मैं पिक्चर के हिसाब से ये कर रहा हूँ, इंक्रीज डिक्रीज कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं किया तो फिर इसमें आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ऐसे आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ये इंक्रीज डिक्रीज करना काफ़ी फायदेमंद होगा आपके फ़ोटो के लिए। जैसे कि मैं इंक्रीज डिक्रीज कर रहा हूँ, ये हाईलाइट्स का मैं कर रहा हूँ। आपको सबका सब करना है, नहीं तो एक भी आपने छोड़ दिया फिर तो आपकी लगनी है, फ़ोटो की बात लग जानी है। ऐसे पूरी एडिटिंग करना सारे ऑप्शन के साथ, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। एक दो छोड़ दोगे तो चलेगा, पर ये मत छोड़ ना। इसको छोड़ डाला तो आपकी मिडिल स्टंप उड़ जाएगी, आप क्लीन बोल्ड हो जाओगे। फिर इसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। फिर टूल्स में मैंने जा रहा हूँ, फिर मैंने सेलेक्टिव को सिलेक्ट किया। इससे आप कोई भी पार्टिकुलर एरिया सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया। इसके बाद अब मैं अप टू डाउन करूँगा तो अगर तो मेरे को ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन लेफ्ट राइट करने पर मेरा बॉल आउट स्विंग होगा, लेफ्ट स्विंग होगा। ऐसे करके मैं इसको ऐसे ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकता हूँ। और ब्राइटनेस कंट्रोल कर रहा हूँ एकदम हाई कर देना आपको, जैसे कि कोई भी देखे तो आपको ऐसे चारों ओर से इसको वाइट वाइट कर देना कि कोई भी दिखे तो आपको उसकी नज़र ना सिर्फ आपके सैंडल पे जाए और इधर उधर ना जाए। इधर उधर जाएगी तो फिर तो प्रोडक्ट गंदी दिखेगी। आपको प्रोडक्ट के चारों तरफ हाईलाइट्स कर देनी है, वाइट वाइट कर देना एकदम। जैसे कि अभी पॉन्ड्स वाली क्रीम लगा के निकला हुई है। हाँ, ऐसी क्लियर कर दो। ये प्लस वाली बटन है ना, इससे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये जो बी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, बी ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ प्लस वाले बटन पे दबा के। इंक्रीज डिक्रीज मैं कर रहा हूँ, मैं देख भी मैं जूम भी करके यहाँ पे देख सकता हूँ। ये साइड ये ग्रीन वाले बॉक्स पे मैं साइड वाइड करके देख सकते हैं। इधर वाले से कोई हाथों नहीं रही है। हाँ, ये मैं जूम करके देखता हूँ। ये थोड़ा सा यहाँ पे माइनर सा डिफेक्ट रखा है। इसको मैं फिर से सेलेक्टिव में जाके इसको थोड़ा सा डार्क कर दूँगा। डार्क करने पर ये काफ़ी डार्क हो जाएगी, फिर डार्क नाइट जैसी ये लगेगी। इसको मैं डार्क कर रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा इसको मैं डार्क कर दिया और जूम करके देख रहा हूँ। इसको मैं फिर से अब सेव कर दूँगा। पहले मैं देख चुका हूँ, रुक जा ओ बच्चे रुक जा। हाँ, इसको मैं सेव कर दिया। फिर इसको मैं थोड़ा क्रॉप करूँगा, साइड में थोड़ा सा निकला है ना टूल्स, तो टूल्स में जाऊँगा, मैं क्रॉप को सेलेक्ट करूँगा। जूम तो कर ले। हाँ, टूल्स को मैं ज़रूर करूँगा। हाँ, फिर क्रॉप सेलेक्ट करूँगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें अच्छे से मैं इसको क्रॉप करूँगा। क्रॉप करने के बाद इसको देखूँगा, हाँ कितना सुंदर लग रहा है। इसको मैं सेव कर लूँगा। अब सेव करने के बाद फॉरेस्टेड हो गई, फोटो सेव्ड हो गई। थैंक यू वेरी मच।